नमस्कार, बंसलियूज के स्पेशल सेगमेंट खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पाल, और आज के इस स्पेशल सेगमेंट में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो इन दिनों पूरे देश में कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। वजह भी साफ है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं और इंदौर संसदीय सीट से एक नया रिकॉर्ड सामने आया है। इंदौर से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी रहे शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से भी ज़्यादा मतों से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चुनाव जीता है। और इन सब के बीच में जितनी बड़ी ये जीत रही है, उससे भी कहीं ज़्यादा सहज और सरलता शंकर लालवानी के व्यक्तित्व में नज़र भी आती है। लगातार दूसरी बार वे इंदौर संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं और इस बार का रिकॉर्ड पिछली बार से ज़्यादा कहीं ना कहीं दोगुना नज़र आया है। तो सीधी बातचीत करेंगे, जानेंगे शंकर लालवानी जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, कैसे छात्र राजनीति के साथ में उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, और उसके साथ में वे आप देश के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि अगर बात करें देश की सबसे बड़ी संसदीय जो है प्रणाली में जीत कर भी आए हैं सबसे ज़्यादा वोटों से देश भर। तो स्वागत करते हैं, मुलाकात करवाते हैं इंदौर से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी और विजय प्रत्याशी शंकर लालवानी जी। लालवानी जी, पहले तो बंसल न्यूज़ का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। लालवानी जी, कैसे आप देखते हैं अब तक की आपकी इस पॉलिटिकल यात्रा को, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, और जैसा हमने आपके बारे में पढ़ा है सुना है, पहला इलेक्शन आप हारे थे, ये वो दौर था जब शंकर लालवानी युवा तरुणाई थे और युवा जोश के साथ में छात्र राजनीति में आपने कदम रखा। पहला इलेक्शन हारने के बाद में संगठन में काम किया, अलग अलग पदों पर रहे, और उसके बाद में सीधे संसद सांसद की कुर्सी पर। पहला इलेक्शन हारे तो नहीं थे, राजनीति का शिकार हुए थे। वैसे तो मैं स्कूल में छात्र संघ में था और लगातार स्कूल में छात्र संघ में काम करते हुए अलग अलग पदों पर मैं रहा था, लेकिन जब मैं मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तब मैं विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी था और वहाँ पर सीआर चुना गया, फिर यूआर चुना गया, फिर जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का अध्यक्ष का चुनाव था, उसके एक दिन पहले मुझे ये कह के बुलाया गया कि आपको बुलाया है, कल वोटिंग है और किस प्रकार से वोटिंग करना उसकी पूरी जानकारी भी देंगे, और कल जो आपके उम्मीदवार हैं विद्यार्थी परिषद के उनको जिताना है। तो मैं सहज भाव से उनके साथ चला गया और मुझे जानकारी नहीं लगी जब मैं उनके साथ गया तो वहाँ मुंबई में जो मुख्यमंत्री निवास है, वर्षा करके मुख्यमंत्री निवास है जी। कब परेड में है ये, लिंकिंग रोड के परेड में, तो सीलिंग के सामने, और वहाँ पर मुझे रखा गया कि आपको बताते हैं रात को बोले आप यहीं सुनो, अपन सब साथ में सवेरे उठ के यूनिवर्सिटी चलेंगे। लेकिन जो समय था, निर्धारित समय था चुनाव का, सुबह 11 बजे का, उस समय तक मुझे वहाँ रोक के रखा। जब चुनाव वोट डल गए सबके, तब मुझे छोड़ा गया। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि मैं इस भ्रम में चला गया कि मैं अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ वोट करने। तो एक अनुभव था कि हमें राजनीति में भी किस प्रकार सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि उस समय भी बम्बई यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका अध्यक्ष भी एक बहुत बड़ी मायने रखता है। वो एक इंसिडेंट था। उसके बाद मुझे लगता है कि जब मैं इंदौर आया, इंदौर आने के बाद मैं चूँकि विद्यार्थी परिषद था, फिर यहाँ संघ में काम करता था, बस्ती प्रमुख था, संघ में काम करते करते एक समय ऐसा आया कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, और उस राम जन्मभूमि आंदोलन में भी मेरे को जाने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, पर ये इस बात की दुख है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जो यूपी की बॉर्डर है हमें वहाँ ही रोका गया, लाठीचार्ज हुआ और हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। और फिर उसके बाद सक्रिय राजनीति के रूप में एक वार्ड क्रमांक 49 हुआ करता था, उसका मैं अध्यक्ष बना, बीजेपी में सक्रिय रूप से आया, और उस वार्ड के अध्यक्ष बनने के बाद सक्रियता से पार्टी में काम करने का मौका मिला, और उस समय मंडल का मंत्री बना, महामंत्री बना उस मंडल का, और उस मंडल की महामंत्री का विधानसभा तब चलती थी, विधानसभा का अध्यक्ष बना था 4 नंबर का। तो इस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष के बाद मुझे पार्षद बनने का मौका मिला एक बार। तब हम विपक्ष में थे और विपक्ष में हमने बहुत ही
विपक्ष की भूमिका निभाई, आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किए उस समय, बहुत सारे जेल भी गए हम। मुझे ध्यान है माणिक बाग रेलवे ब्रिज में लगातार जाम लगता था, ब्रिज बनाने की मांग को लेकर हमने चक्का जाम किया था, जेल गए थे, पानी की समस्या थी, नगर निगम में आंदोलन किए, तो बहुत सारे उस समय आंदोलन किए थे और उस समय एक संघर्ष की भूमिका में थे। और दूसरी बार फिर पार्टी ने मौका दिया और जनता का आशीर्वाद मिला कि फिर चुनाव लड़ा और मुझे पार्टी ने जनकार समिति का अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और उस समय हमने शहर में बहुत सारे विकास के काम किए। मुझे लगता है कि उस समय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे महापौर हुआ करते थे और उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे शहरों के चौराहों के विकास किए, माणिक बाग ब्रिज बनाई, महाराणा प्रताप चौराहा बनाया, विजयनगर चौराहा बनाया, हेमुकालिनी चौराहा बनाया, बॉन्ड की सड़कें बनाई, पितृ पर्वत की उस समय तैयारी शुरू किया, काम शुरू किया। तो एक जन सहयोग से किस प्रकार सड़कें बनाई जा सकती है, उद्यान बनाए जा सकते हैं, वो एक मॉडल था। तो एक वो टर्निंग पॉइंट था शहर के विकास का। और उसके बाद फिर एक बार पार्टी ने मौका दिया अलग वार्ड से, उस समय सभापति बनने का मुझे मौका मिला और सब प्रयास किया कि सदन अच्छी तरह से चले, हम विपक्ष की बात भी सुने और सत्ता पक्ष की बात भी सुने, और सदन चलाने का रात रात तक हमने सदन उस समय चलाया था। उसके बाद पार्टी ने मौका दिया अध्यक्ष बनने का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने का मौका मिला और उस समय अध्यक्ष लगातार बना रहा। और जैसे ही अध्यक्ष का कार्यकाल हुआ फिर सरकार ने इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष बनाने के बाद फिर जब कार्यकाल पूरा हुआ फिर एक बार और अध्यक्ष बनाया। इस बीच कमलनाथ की सरकार आई तो मैंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद 2019 में मैंने इस्तीफा दिया और कुछ माह बाद लोकसभा के चुनाव आए। किसी कारणवश आदरणीय ताई जी का हम चुनाव प्रचार कर ही रहे थे, चुनाव वो नहीं लड़ी और पार्टी ने मौका दिया 2019 में चुनाव लड़ने का, तो पहली बार सांसद बनने का मौका मिला। और उस समय इंदौर की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से इंदौर का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड बना था, 5,64,000 का, 2,47,000 का, और 10,64,000 का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। देश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट इंदौर से मिले थे, तो एक मौका मिला था। और फिर पार्टी ने मौका मिला दूसरी बार चुनाव लड़ने का, और इस बार फिर चुनाव लड़े और हमारे मोदी जी की नीतियों के कारण, हमारे संगठन की मेहनत के कारण, कार्यकर्ताओं के पसीने के कारण और जनता के आशीर्वाद के कारण ये इंदौर की इतनी बड़ी जीत हुई। ये जो आंकड़ा सामने आया है 11,75,000 का, तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि वोट शेयरिंग के मामले में बीजेपी आगे निकली है, हालांकि नोटा का जो एक रिकॉर्ड है उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर को सुर्खियों में ला खड़ा किया, उस पर भी हम आप देखिए उस एंगल से मत सोचिए। आप ये देखिए कि पिछली बार 2019 में जो मतदान हुआ था लगभग 15.5 लाख के आसपास मतदान हुआ था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी को 10.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे, 5,00,000 मिले थे। अगर हम बात करें 2024 के चुनाव की, तो 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी लगभग उतने ही मत पड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है, वोट है, 2,00,000 वोट ज़्यादा मिले। और कांग्रेस जिसके लिए प्रचार कर रही थी, गली गली प्रचार कर रही थी, जिसके लिए विज्ञापन दिए, पोस्टर लगाए और बहुत सारा प्रचार किया, वो जो 5-5.5 लाख उनको जो वोट मिलते थे वो 2 लाख के आसपास पहुँचे। इसका मतलब इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है। 1989 से लेकर 2024 तक लगातार बीजेपी ने कहीं ना कहीं इंदौर में अपना परचम लहराया है। हम देखते आ रहे हैं 10 चुनाव हो चुके हैं जिसमें 2 चुनाव आपने लड़े हैं। आपने कैलाश जी की बात की है, उनकी मेयरशिप में भी आपको काम करने का मौका मिला है। एक भाषण के दौरान कैलाश जी ने कहा था कि शंकर लालवानी जब युवा थे, राजनीति में नए नए आए थे, तब वे आपके पिताजी के पास गए थे, आप चूंकि इंजीनियर भी हैं, और ऐसे में उन्होंने ये मांग की थी कि ऐसे युवाओं की अब पॉलिटिक्स में ज़रूरत भी है। तो क्या सही मायनों में कैलाश विजयवर्गीय ही पॉलिटिकल रूप से मेंटोर या फिर यूं कहें कि रोल मॉडल है शंकर जी के लिए? उस समय मैं संघ का काम करता था और संघ का काम करते हुए क्षेत्र में काम करता था। कैलाश विजयवर्गीय जी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, और उस समय एक दुखद प्रसंग हुआ था, उनके पिताजी का उसी समय चुनाव के दौरान ही निधन हुआ था उनके टिकट डिक्लेयर होने के बाद। तो उस समय ऐसा वातावरण था कि एक युवाओं की टीम की आवश्यकता थी उस क्षेत्र में, क्योंकि वो 2 नंबर के थे
और चुनाव 4 नंबर से लड़ रहे थे और मैं 4 नंबर में था। उस समय पिताजी संघ चालक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक थे। चूँकि पिताजी सीधे संघ बीजेपी का काम नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार से एक सदस्य हमें दे दीजिए जो कि सक्रिय राजनीति में काम कर सके। और कैलाश जी के आग्रह पर पिताजी ने कहा आप राजनीति में काम करो, और तब से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। लालवानी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूरा चुनाव हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं, आपने रिकॉर्ड भी बनाया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय बम, उनका जब जो है वो पाला बदलना हुआ तो शंकर लालवानी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। क्या कोई जानकारी पार्टी की तरफ से दी गई थी कि अक्षय बम आ रहे हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ रही, क्योंकि आप तो चुनावी व्यस्तताओं में थे, हम देख रहे थे प्रचार प्रसार में, रैलियों में लगातार जो है वो देख रहे थे, तो क्या कुछ रिएक्शन रहा लालवानी का जब पहली बार ये जानकारी लगी कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन छोड़ने आप संभालने जा रहे हैं? जानकारी थी जब पहले इस प्रकार की बातें चली थी एक दिन पूर्व की, जिस प्रकार से कांग्रेस में उनको प्रताड़ित किया और उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि किस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी और उनको कांग्रेस से जो चुनाव लड़ने की मिला था, घोषित हुए थे, लेकिन उन्होंने विड्रॉ किया और उन्होंने विड्रॉ करके बीजेपी ज्वाइन की। देखिए, इन पूरे दौर में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी शामिल की। हमारा ये मानना है कि हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, परिवार बड़ा खुशी होती है, परिवार बड़ा होता है लोग नए लोग जुड़ते हैं और बहुत सारे पूर्व विधायक भी जुड़े, विधायक भी जुड़े, तो परिवार बड़ा होने से निश्चित तौर पर पार्टी को फ़ायदा मिलता है, उसका फ़ायदा मिला। कलवानी जी, अब उम्मीदें भी बड़ी है इंदौर की, क्योंकि इंदौर उस मुझे लगता है कि स्थिति में खड़ा हुआ है जब हम देश के बड़े शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं, या यूँ कहें कि देश के बड़े शहरों के साथ में अब कहीं ना कहीं इंदौर की गिनती होती है। शायद स्वच्छता की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। इस इंटरव्यू से पहले कुछ लोगों से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती इंदौर में अब नज़र आती है तो वो है ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। क्या कुछ शंकर लालवानी के माइंड में है, क्या कुछ प्लान है इंदौर के ट्रैफिक को बेहतर व्यवस्थित और पटरी पर लाने के? देखिए, बहुत सारे काम हुए भी हैं जी। अगर मैं कहूँ, आज़ादी के बाद इंदौर में पहली बार शहर के अंदर 14 ब्रिज बन रहे हैं, आज़ादी के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये केंद्र सरकार से 7 ब्रिज और प्रोसेस में, कुल 21 ब्रिज बन रहे हैं। मास्टर प्लान ने वो की सड़कों का जाल बिछ रहा है, मेट्रो का काम तेज़ी से चल रहा है, और इसके अलावा जो रोड बाइंडिंग है, लेफ्ट टर्न है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हम लगातार काम कर रहे हैं। पर हमें एक दूसरा पहलू ये भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इंदौर की जनसंख्या बढ़ रही है, इंदौर की वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इंदौर की जितनी पॉपुलेशन है उस मान से उतने ही वाहन हैं, तो वाहनों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है तो हम रोड कितने भी चौड़े करें समस्या ट्रैफिक की रहेगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दे दें, एंड टू एंड कनेक्टिविटी देंगे ताकि लोग घर से निकले उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिले और वो बस में, मेट्रो में अपने कार्यस्थल पर पहुँचे ताकि घर से वाहन ना निकले, इस पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा जो टारगेट है वो सबसे बड़ा टारगेट यही है कि इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करें। मेट्रो को लेकर आपने कहा कि बहुत बड़ा विजन है और सांसद जी बड़े चिंतित भी, हम देख रहे थे कि इलेक्शन पूरा हुआ उसके बाद में आपने मेट्रो सड़क की बात हो, इंदौर इच्छापुर हाईवे की बात हो, तमाम चीज़ों को देखा भी है, तो लोक परिवहन के मामले में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में आने वाले दिनों में इंदौर को क्या कुछ और सौगातें मिलने जा रही है? 2-3 बातें हैं कि एक तो जो रोड कनेक्टिविटी है हम बेहतर करने के लिए नेशनल हाईवे के काम तेज़ी चल रहे हैं जी। और जो काम चल रहे हैं, हमारा प्रयास है कि CS के पहले 2028 CS से उसके पहले 2 साल में ये सब काम कम्प्लीट हो, रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो, रेलों का जो हमारे छोटे छोटे मऊ है, इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, उसमें बेहतर कनेक्टिविटी हो, शटल ट्रेनें चलें ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। मेट्रो का काम भी है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी पूरा हो। तो ये जो ट्रैफिक को लेकर है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है, उसको हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसको हम आगे ले जाएंगे। इंदौर पर अब नज़रें हैं पूरे देश की, हमने देखा कि IT हब है, इंडस्ट्रियल रूप में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर बहुत स्टार्टअप का हब है, बिल्कुल स्टार्टअप का हब है, जिससे लेकर आपने कई नवाचार भी किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, इंदौर की तरफ देखती हैं, तो एक सुरक्षा का जो भाव है,
वो भी कहीं ना कहीं हमें जागृत करना पड़ेगा। इंदौर में हम लोग कहते हैं कि सेफेस्ट सिटी इसे बनाना की बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई सांसद थी जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर को सुरक्षा के मामलों में कहीं ना कहीं यहाँ पर सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया है। क्या ये गारंटी है कि इंदौर आप आइए आपका स्वागत है, एक सेफ सिटी में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आप आकर पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, बड़ी आईटी कंपनियां यहाँ पर संचालित हो सकती है, इसे लेकर सांसद जी क्या कुछ गारंटी दे रहे हैं? देखो, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है जी। अब उसमें हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि उसमें जो हम अपेक्षा कर रहे थे वहाँ हम किस हद तक बेहतर हुए हैं, और अगर कमी पीछे होगी तो बेहतर करेंगे। पर एक बात ज़रूर है कि इंदौर की जो आज जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है लगभग 5 लाख के आसपास है, यानी 5 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते जाते हैं, और जो हमारे युवा साथी हैं उन युवा साथियों में जिस प्रकार की नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकना पड़ेगा, और जिसके कारण बहुत सारे वाक्य होते हैं। तो एक ये बात सामने आ रही है कि इसको कैसे रोका जाए, उसको लेके समय समय पर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है, उसको हम बैठ के किस प्रकार से और बेहतर कर सकते करेंगे। और इसी बीच पे नाइट कल्चर पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में उस पर भी कोई चर्चा होगी, बदलाव होंगे, या फिर नाइट कल्चर इसी तरह से जारी रहेगा? हमें देखना पड़ेगा कि नाइट कल्चर और नाइट वर्किंग इसमें अंतर है जी। हमने इंदौर को नाइट वर्किंग के लिए खोला, लेकिन वो नाइट वर्किंग नाइट कल्चर में तब्दील हो रहा है, तो वो गलत है। कभी भी हम नहीं चाहते कि इंदौर नाइट कल्चर के रूप में चले, इंदौर नाइट वर्किंग के रूप में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बैक ऑफिस इंदौर में, आईटी कंपनियों के बैक ऑफिस इंदौर में, जो कि रात को ही चलते हैं। तो मुझे आपके माध्यम से जनता से यही कहना पड़ेगा, इंदौर नाइट कल्चर की कभी भी पक्षधर नहीं, नाइट वर्किंग के पक्षधर है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी तलवार की धार है जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और हम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी इंदौर के लोगों के साथ बैठ के करेंगे कि नाइट वर्किंग को बेहतर करने के लिए क्या इकोसिस्टम चाहिए और नाइट कल्चर को कम करने के लिए क्या करना। लालवंत जी, हमने माननीय मोदी जी को भी सुना है, वे हमेशा कहते हैं जब इंदौर आते हैं कि इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं है, एक दौर है जो समय से बहुत आगे चलता है। तो कितना चिंतित रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इंदौर के विकास को लेकर, और आपकी जब मुलाकात होती है तो इंदौर के सिलसिले में, इंदौर के डेवलपमेंट को लेकर आखिर किस तरीके से बातचीत चर्चा होती है? क्योंकि इंदौर, मुझे लगता है कि वो जब देखते हैं स्वच्छता को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, तो उनके नज़रिए से भी कहीं ना कहीं इंदौर उसी तरीके से है, आने वाला इंदौर और कुछ बदलेगा। तो क्या कुछ डिस्कशन इंदौर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और लालवानी जी के बीच में होता है? इंदौर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है, लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चलता है। तो ये हमारी विरासत को हम साथ में लेके चलते हैं, और उसी विरासत को ध्यान में रखते हुए इंदौर का विकास कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो देश के अन्य शहरों की जो ग्रोथ रेट है वो 12% है, लेकिन हमारे इंदौर की ग्रोथ रेट 14% है। तो ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारी GDP डबल हुई है, और GDP डबल हुई है तो आने वाले समय में जिस प्रकार देश की GDP बढ़ रही है उसमें इंदौर की भी GDP की प्रमुख भूमिका रहेगी। सर जी, कुछ एक दो व्यक्तिगत सवाल हैं, इतने व्यस्ततम समय के बीच में कैसे समय दे पाते हैं, क्योंकि आपके परिवार में आपके बेटे भी हैं, परिवार के सदस्य भी हैं, क्या कुछ रूटीन रहता है सांसद जी का, और ख़ास तौर पर खुद को फिट रखने के लिए आखिर इंदौर के सांसद क्या कुछ करते हैं? देखिए, एक तो सुबह योगा करते हैं, और उसके बाद चूँकि परिवार सिर्फ वो परिवार नहीं है, इंदौर पूरा परिवार है। आज इंदौर के लोगों ने इतने आशीर्वाद दिया है, तो एक इंदौर पूरा एक हमारा बड़ा परिवार है, उस परिवार के साथ दुख सुख में हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, पूरे इंदौर के साथ। तो परिवार को भी कोशिश करता हूँ थोड़ा समय सवेरे देने का, या शाम रात को जब भोजन करते हैं, बाकी समय इंदौर के लिए। आपके बेटे हैं मीत लालवानी, वो फिलहाल क्या राजनीति की नई पारी खेलेंगे, या फिर अभी फिलहाल जो वो अपने एजुकेशन और करियर पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं नहीं, वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं और राजनीति में नहीं। चलिए, जाते जाते इंदौर की जनता से सांसद जी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें हैं, जब जीत बड़ी होती है तो ये भी जाहिर सी बात है कि उम्मीदें भी बड़ी होती है, आने वाला इंदौर क्या कुछ लेकर आएगा, और इंदौर वासियों के लिए शंकर लालवानी क्या कुछ सौगात देने जा रहे हैं?
निश्चित तौर पे इंदौर जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, उम्मीदों का शहर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इंदौर में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट को हमें लाना भी है। और ख़ास करके जो दो तीन बातें हैं जो हमारे ध्यान में आने वाले समय में करने वाले हैं, ट्रैफिक हो, आने वाले 10 साल में पानी की समस्या हो सकती है, आने वाले समय में पर्यावरण को बेहतर कैसे कर सकते हैं जिस प्रकार से हीट स्ट्रोक चल रहे हैं, आने वाले समय में जो हमारा CS से 2028 में उसकी तैयारी करना, तो आने वाले समय में बेहतर मास्टर प्लान बनाना, इन सब को लेके हम सामूहिक रूप, इंदौर एक ऐसी तासीर है कि वो सामूहिक रूप से प्रयास करता है और उसी का परिणाम है कि इंदौर आज तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। और मैं इंदौर की जनता का धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को दिया। चलिए, तो ये है इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी, और 11,75,000 वोटों से जब 2024 के इलेक्शन में वे जीत कर आए हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत बहुत बड़ी है। इंदौर में चुनौतियां भी बहुत बड़ी है। इंदौर के लोगों ने जब BJP को इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो ये कहा जा सकता है कि इंदौर की जनता उम्मीदें भी करती है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों को पार करने के साथ में इंदौर को देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों में कहीं ना कहीं यहाँ पर शुमार कराने की एक बड़ी चुनौती शंकर लालवानी जी के सामने भी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले इन 5 सालों का वे कैसे रोडमैप तैयार करते हैं और इंदौर की जो तमाम चुनौतियां हैं, या यूं कहें कि विकास को लेकर उनका जो रोडमैप है, जो उनकी सोच है, वो उसे कैसे अमली जामा पहनाते हैं और इंदौर कैसे देश में एक बार फिर से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान भी कायम कर पाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।